बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। फाइवर पर अकाउंट कैसे बनाना है, प्रोफाइल कैसे सेट करनी है, फिर उसके बाद गिग कैसे बनानी है, सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्डर कैसे लेना है और लास्ट में पैसे विड्रॉ कैसे करने हैं, सारी चीज़ें आप लोगों के लिए एक ही वीडियो में लेकर आई हूँ। बहुत ही आसान अल्फाज में आपको समझाऊंगी, एक एक क्लिक आपके सामने आपको करके दिखाऊंगी, सारे स्टेप्स आपको करके दिखाऊंगी ताकि आप लोग जल्द से जल्द अपनी गिग बनाकर अपनी सर्विसेज देना शुरू करें और अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकें। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें। आप लोगों के लाइक से मुझे महसूस होता है कि मेरी वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो गया, मेरी मेहनत वसूल हो गई, इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन के नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए ताकि हम साथ मिलकर अर्न कर सकें। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले अकाउंट क्रिएट करते हैं और उसके बाद अपनी प्रोफाइल सेट करते हैं। गूगल पर आकर आप लिखेंगे fiverr.com तो डायरेक्टली यही वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। जितना भी काम मैं इस वीडियो में करने वाली हूँ, ये तमाम काम आप अपने मोबाइल पर भी कर सकते हैं। जब आप मोबाइल पर फाइवर ओपन करेंगे तो ऊपर राइट हैंड साइड पर 3 डॉट्स आएंगे, आप उस पर क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर आप क्लिक कर देंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। आपके मोबाइल की स्क्रीन लैपटॉप के इंटरफेस पर शिफ्ट हो जाएगी। लैपटॉप पर मैं इसलिए करके दिखा रही हूँ कि स्क्रीन बड़ी होगी तो आपको क्लियर समझ आएगा, लेकिन सारा काम मोबाइल पर हो जाता है, लैपटॉप की कोई नींद नहीं होती। यहाँ पर आपके पास ज्वाइन का ऑप्शन आ रहा है, आप ज्वाइन पर क्लिक करेंगे, 3 ऑप्शन आपके सामने आएंगे, कंटिन्यू विद फेसबुक, कंटिन्यू विद गूगल, कंटिन्यू विद एप्पल, और नीचे आपके पास ईमेल का ऑप्शन आएगा। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप डायरेक्टली यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी देकर कंटिन्यू करें। ईमेल आईडी एंटर करने के बाद ये इंटरफेस आपके सामने आएगा। अब आपको अपना यूजर नेम चूज करना है और फिर उसके बाद अपना पासवर्ड देना है। मैंने यहाँ पर अपना नाम लिखा तो ये बता रहा है कि ये यूजर नेम ऑलरेडी लिया हुआ है किसी ने, तो ये अवेलेबल नहीं है। अब यहाँ पर हम अंडरस्कोर वगैरह ऐड करके इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर अंडरस्कोर लगा दिया तो ये टिक का निशान आ गया। टिक का निशान आने का मतलब ये कि ये यूजर नेम अवेलेबल है, ये यूजर नेम आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आप पासवर्ड दे देंगे, पासवर्ड 8 करेक्टर या उससे ज्यादा का होना चाहिए, अपर और लोअर केस भी उसके अंदर ऐड होने चाहिए। पासवर्ड चूज करने के बाद आप ज्वाइन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद ये इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है कि यू नीड टू एक्टिवेट योर अकाउंट। अब इन्होंने मुझे एक ईमेल भेजी है, वो ईमेल पर जाके मैंने अपने अकाउंट को एक्टिवेट करना है। यहाँ मैं आपके सामने अपनी ईमेल ओपन करती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फाइवर की तरफ से एक एक्टिवेट योर न्यू अकाउंट की ईमेल आई हुई है। इस ईमेल पर जाएंगे, यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है एक्टिवेट योर अकाउंट और इस पर हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। ऊपर लिखा हुआ आ रहा है अकाउंट सक्सेसफुली एक्टिवेटेड। अब ये जहाँ पर एफ लिखा हुआ आ रहा है आपने इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपके पास प्रोफाइल का ऑप्शन आएगा, आप प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपने एक एक करके अपनी सारी डिटेल्स ऐड करते जानी है। सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पर प्रोफाइल पिक्चर पर, इस पर क्लिक करेंगे और आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर ऐड करेंगे। प्रोफाइल पिक्चर आप अपनी भी दे सकते हैं और अपने काम से रिलेटेड भी दे सकते हैं। अगर आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर नहीं देना चाह रहे तो जिस कैटेगरी में आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं आप उस सर्विस की भी पिक्चर दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने अपनी प्रोफाइल पिक्चर ऐड कर दी है। उसके बाद नीचे यहाँ पर जो पेंसिल का निशान आ रहा है आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके पास एक स्टोरी लाइन का ऑप्शन आएगा। अब जो सर्विस आप प्रोवाइड करने जा रहे हैं, जिस कैटेगरी में आप अपनी सर्विसेज देने जा रहे हैं, उसके बारे में आपने एक अच्छी सी प्रोफेशनल टैगलाइन लिख देनी है। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी तैयार करके रखी हुई है, इसको मैं यहाँ से पेस्ट कर देती हूँ। इसको मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। मैंने लिखा है योर प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर। आप भी इसी तरह से अपनी कैटेगरी से रिलेटेड अच्छी सी एक टैगलाइन यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद आपको अपडेट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद नीचे आ जाएंगे, नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन आ रहा है डिस्क्रिप्शन का। अब डिस्क्रिप्शन भी आपने बहुत अच्छी सी लिखनी है। आप जो सर्विस प्रोवाइड करने जा रहे हैं उस सर्विस के बारे में आपका कितना एक्सपीरियंस है, इन सारी चीज़ों को लेते हुए आपने एक अच्छी सी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर डिस्क्रिप्शन आपको नहीं लिखनी आ रही या आइडिया लेना है तो आइडिया लेने के लिए आप वही सर्विस यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। जैसे मैंने ग्राफिक डिज़ाइन यहाँ पर सर्च किया तो बहुत सारी यहाँ पर प्रोफाइल्स आ रही हैं ग्राफिक डिज़ाइन की, जिनके पास सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स हैं आप वो वाली प्रोफाइल यहाँ से ओपन कर लेंगे। फॉर एग्जांपल, मैं ये प्रोफाइल यहाँ से ओपन कर रही हूँ। ओपन करने के बाद आप यहाँ नीचे आ जाएंगे और इनकी डिस्क्रिप्शन देखेंगे कि इन्होंने किस तरह से डिस्क्रिप्शन लिखी है। यहाँ से आप आइडिया लेंगे। इसी तरह आप एक दो प्रोफाइल्स और ओपन कर लेंगे, उनकी भी डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे और इन सारी डिस्क्रिप्शन से हेल्प लेते हुए आपने अपनी डिस्क्रिप्शन तैयार करनी है और डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिखनी है। मैंने ऑलरेडी एक डिस्क्रिप्शन तैयार करके रखी हुई है, मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ। एडिट डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप अपनी डिस्क्रिप्शन ऐड कर देंगे। मैंने ये डिस्क्रिप्शन यहाँ पर ऐड कर दिया है। उसके बाद इसको भी अपडेट पर क्लिक कर देंगे। नीचे आ जाएंगे, उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ रहा है लैंग्वेजेस का। लैंग्वेज में आपने इंग्लिश सिलेक्ट करनी है, उसके बाद उसका लेवल सिलेक्ट करना है। लेवल में आप इंग्लिश को फ्लुएंट या फिर नेटिव रखेंगे।
इससे आपकी प्रोफाइल अच्छी रहती है, अच्छी प्रोफेशनल प्रोफाइल नज़र आती है। प्रोफाइल अच्छी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा बायर्स आपके पास आएंगे। यहाँ पर मैं इंग्लिश को फ्लुएंट में ऐड कर रही हूँ। इसके अलावा अगर आप और कोई लैंग्वेज ऐड करना चाहते हैं तो ऐड लैंग्वेज पर क्लिक करके वो लैंग्वेज भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हम उर्दू भी टाइप कर देते हैं और उर्दू को हम नेटिव में ले जाते हैं। इसके बाद आपके पास ऑप्शन आ रहा है लिंक्ड अकाउंट का। अगर आप चाहें तो अपने फेसबुक या ट्विटर वगैरह के अकाउंट्स को यहाँ से लिंक कर सकते हैं। फिर नीचे ऑप्शन आ जाता है स्किल्स का। स्किल्स में आपने अपनी नीश से रिलेटेड सारे स्किल्स ऐड करने हैं। जैसे मैं अभी इस वक्त ग्राफिक डिज़ाइनर की प्रोफाइल बना रही हूँ, तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड मैं स्किल्स यहाँ पर ऐड कर लूँगी। ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप अपने स्किल्स ऐड करते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ग्राफिक डिज़ाइनर के अंदर आ जाएगा लोगो डिज़ाइन। लोगो डिज़ाइन पर मैं आ जाऊँगी, यहाँ पर ये खुद ही मुझे सजेशन दे देगा। लोगो डिज़ाइन पर हम क्लिक कर देंगे। एक्सपीरियंस लेवल के अंदर हम एक्सपर्ट सिलेक्ट करेंगे, ऐड कर देंगे। इसी तरह एक एक करके आप डिफरेंट स्किल्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मेन्यू डिज़ाइन पर आ जाते हैं। ये सारे वो स्किल्स हैं जो कि मैं आप लोगों को सिखा चुकी हूँ। इन पर आप इजीली गिग बना सकते हैं। काम भी करना सिखाया है कि किस तरह से काम करना है। चैनल पर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी कि मेन्यू किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को रिज्यूम बनाना भी सिखाई है। रिज्यूम डिज़ाइन भी ग्राफिक डिज़ाइन की कैटेगरी के अंदर आता है। एक्सपीरियंस लेवल में एक्सपर्ट सिलेक्ट कर लेंगे, इसको भी ऐड कर देंगे। इसी तरह से आप डिफरेंट ईजी स्किल्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं जो कि आपकी कैटेगरी से रिलेटेड हों। ऐसा नहीं है कि आप ग्राफिक डिज़ाइन की कैटेगरी के अंदर आकर कंटेंट राइटिंग को सर्च करेंगे या कंटेंट राइटिंग का स्किल ऐड करेंगे। नहीं, आपने अपनी कैटेगरी से रिलेटेड स्किल्स ऐड करने हैं। इसके बाद नीचे आ जाएंगे और अपनी एजुकेशन ऐड करेंगे। यहाँ पर आप पहले अपना कंट्री सिलेक्ट करेंगे। कंट्री सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर कॉलेज यूनिवर्सिटी का नेम देंगे, अपना टाइटल देंगे, मेजर सब्जेक्ट लिखेंगे, ईयर ऑफ ग्रेजुएशन ऐड करेंगे। मैं यहाँ पर ऐड कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको आगे लेके चलती हूँ। एजुकेशन ऐड करने के बाद नीचे सर्टिफिकेशन का ऑप्शन है। अगर आपने कोई सर्टिफिकेट या कोई अवार्ड ऐसे रिसीव किए हैं तो आप उसकी डिटेल यहाँ पर दे देंगे। अगर नहीं किए तो कोई मसला नहीं है, इस स्टेप को स्किप कर देंगे। नीचे आ रहा है शेयर्ड एक्टिविटी इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर आप मैनेज सेटिंग पर क्लिक करेंगे और नीचे सेव चेंजेस का ऑप्शन है, यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। जितनी भी डिटेल्स आपने लिखी हैं वो सक्सेसफुली सेव्ड हो जाएंगी। आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा बिकम अ सेलर का, आप इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद ये आपके पास तीन स्टेप्स आ जाएंगे। आपने पहला स्टेप भी कंप्लीट कर लिया, आप सेलर प्रोफाइल भी बना दिया। अब आपके पास है पब्लिश योर गिग, आप इसको कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। ये सारे को रीड करके यहाँ पर भी कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे, फिर से कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद आप यहाँ पर अपना फुल नेम एंटर कर देंगे। उसके बाद नीचे अपना डिस्प्ले नेम ऐड करेंगे। डिस्प्ले नेम आपका वो होगा जो आपकी प्रोफाइल पे शो हो रहा होगा, जो लोगों को नज़र आएगा वो डिस्प्ले नेम होगा आपका। फुल नेम और डिस्प्ले नेम ऐड करने के बाद आप यहाँ पर नीचे आ जाएंगे। प्रोफाइल पिक्चर आपकी ऑलरेडी ऐड हुई हुई है, डिस्क्रिप्शन भी आप ऐड कर चुके हैं, लैंग्वेजेस भी आप ऐड कर चुके हैं। यहाँ पर आप कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आप अपना ऑक्यूपेशन ऐड कर सकते हैं, जो भी काम आप करते हैं वो आप यहाँ पर ऐड कर देंगे। मैं यहाँ पर ग्राफिक एंड डिज़ाइन ऐड कर देती हूँ। उसके बाद यहाँ पर इसकी सब कैटेगरीज आ जाएंगी, आप सब कैटेगरीज यहाँ पर ऐड कर देंगे। बुक डिज़ाइन कर देते हैं, यहाँ पर तीन चार कैटेगरीज आप ऐड कर देंगे। उसके बाद ईयर सिलेक्ट कर लेंगे फ्रॉम टू टू। ऑक्यूपेशन ऐड करने के बाद आप नीचे आ जाएंगे। स्किल्स भी आप ऐड कर चुके हैं, एजुकेशन भी ऐड कर चुके हैं, सर्टिफिकेशन छोड़ देंगे। पर्सनल वेबसाइट अगर आपकी कोई है तो ऐड कर देंगे, वरना इस चीज़ को भी छोड़ देंगे। उसके बाद नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। फिर आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप अपने अकाउंट्स को लिंक करें। अगर आप अपने अकाउंट्स लिंक करना चाहते हैं तो कर देंगे, अदरवाइज आप इसको छोड़ देंगे। अकाउंट को लिंक करने के लिए आप कनेक्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके अकाउंट का ऑप्शन आएगा, आप अकाउंट पर क्लिक करेंगे और आपका अकाउंट लिंक हो जाएगा। फिर आप कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आएगा अकाउंट सिक्योरिटी का ऑप्शन। अकाउंट सिक्योरिटी में आप देख सकते हैं ईमेल हमारी वेरीफाई हो चुकी है। उसके बाद आपने फ़ोन नंबर वेरीफाई करना है, आप ऐड फोन नंबर पर क्लिक करेंगे और यहाँ सेलेक्ट करेंगे। कंट्री आपको ऑलरेडी सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नीचे आपने अपना फ़ोन नंबर देना है। फ़ोन नंबर आप वो देंगे जिस पर पहले कोई फाइवर का अकाउंट नहीं बना है। फोन नंबर देने के बाद आप नीचे वेरीफाई बाय SMS पर क्लिक करेंगे। आपके पास एक कोड आएगा, वो कोड आप एंटर करेंगे। उसके बाद आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपके पास एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आएगा, आप उसका आंसर देंगे। उसके बाद आपका फ़ोन नंबर वेरीफाई हो जाएगा। फिर उसके बाद फिनिश पर क्लिक कर देंगे। अब आपकी पूरी प्रोफाइल कम्प्लीटली सेट हो चुकी है, डन पर क्लिक कर देंगे। फाइवर पर आपने अकाउंट बना लिया, अपनी प्रोफेशनल प्रोफाइल सेट कर ली। तीसरा स्टेप आ जाता है कि आपने गिग कैसे क्रिएट करनी है, वो भी ऐसी गिग जो कि आपकी रैंक करे। गिग रैंक करेगी तो ही आपके पास ऑर्डर आएंगे, आपकी अर्निंग होगी। तो चलिए अब सीखते हैं कि गिग कैसे बनानी है। गिग पब्लिश करने के 6 स्टेप्स हैं, ओवरव्यू, प्राइसिंग, डिस्क्रिप्शन, रिक्वायरमेंट, गैलरी, फिर आता है पब्लिश। सबसे पहले आपको अपना टाइटल देना होता है। टाइटल में आप वो सर्विस बताएंगे जो कि आप प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर मैं मेन्यू कार्ड की गिग बना रही हूँ। अब मैं डायरेक्टली ये नहीं लिख दूंगी आई विल मेक अ मेन्यू कार्ड, नहीं, इस तरह से नहीं करना। आपने कीवर्ड्स को यूज करते हुए अपने टाइटल को लिखना है ताकि आपकी गिग रैंक करे। अब वो काम किस तरह करते हैं,
फाइवर के ही सर्च बार पर आकर मैंने सर्च किया रेस्टोरेंट मेन्यू डिज़ाइन, तो यहाँ पर मेरे पास 12,000 गिग्स आ रही हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा हैं। अब मैंने इसको रेस्टोरेंट इरेज करके यहाँ पर सर्च किया ऑसम मेन्यू डिज़ाइन, तो यहाँ पर मेरे पास 1,400 गिग आ रही हैं, लेकिन यहाँ पर किसी के पास भी ऑर्डर्स नहीं है। आप देख सकते हैं इसका मतलब ये कीवर्ड कम कंपटीशन का है, लेकिन इसमें ऑर्डर्स नहीं आ रहे, रैंक नहीं कर रहा। अब हम सर्च करते हैं मेन्यू डिज़ाइन, तो यहाँ पर आप देखें मेन्यू डिज़ाइन सर्च करने पे हमारे पास 6,000 गिग्स आ रही हैं और यहाँ पर सबके पास ऑर्डर्स मौजूद हैं। कंपटीशन भी कम है, 6,000 है और ऑर्डर्स भी सबके पास है। इसका मतलब इस कीवर्ड के अंदर हमें अपनी गिग प्लेस करनी है ताकि हमारी गिग रैंक करे। गिग रैंक करेगी तो ही आपके ऑर्डर्स आएंगे। ये कहलाती है गिग की एसईओ, और एसईओ करना बहुत ज़रूरी है। जब आपकी गिग की एसईओ अच्छी नहीं होगी तो आपकी गिग रैंक नहीं करेगी, रैंक नहीं करेगी तो ऑर्डर्स नहीं आएंगे। अब कैटेगरी हमने सिलेक्ट कर ली कि किस कैटेगरी के अंदर हमें अपना टाइटल चूज करना है। अब टाइटल के अंदर कौन से कीवर्ड यूज़ करना है वो हम देख लेते हैं। जो टॉप पर गिग्स रैंक कर रही हैं उनके कीवर्ड्स आप देख लेंगे। यहाँ पर फूड मेन्यू का कीवर्ड यूज हुआ है, डिज़ाइन फूड मेन्यू कीवर्ड आ रहा है, रेस्टोरेंट मेन्यू आ रहा है। इसके बाद इस गिग के अंदर रेस्टोरेंट मेन्यू आ रहा है, फूड फ्लायर डिज़ाइन आ रहा है, प्रोफेशनल रेस्टोरेंट मेन्यू आ रहा है। इसी तरह से आप डिफरेंट गिग्स के अंदर कीवर्ड्स देखते हुए अपना टाइटल तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने कंप्लीट एसईओ करके एक टाइटल तैयार किया हुआ है। मैंने टाइटल दिया है आई विल डू ऑसम रेस्टोरेंट मेन्यू डिज़ाइन एंड फूड मेन्यू कार्ड। यहाँ पर जो कीवर्ड्स रैंक हो रहे हैं वो ये है ऑसम रेस्टोरेंट मेन्यू डिज़ाइन, रेस्टोरेंट मेन्यू डिज़ाइन, फूड मेन्यू कार्ड, फूड मेन्यू और मेन्यू कार्ड, ये सारे कीवर्ड्स इसके अंदर आ रहे हैं। उसके बाद नीचे कैटेगरीज आ जाती हैं, कैटेगरी आएगी ग्राफिक एंड डिज़ाइन, फिर मेन्यू, बस सब कैटेगरी आ जाएगी। सब कैटेगरी में यहाँ पर नीचे सजेशंस आ रहे हैं, आप इसमें से चूज कर लेंगे। मैं मेन्यू डिज़ाइन यहाँ पर चूज कर रही हूँ। उसके बाद नीचे आ जाते हैं तो मेटा डेटा है, पर आपने पर्पस सिलेक्ट करने ना है, यहाँ पर मैं रेस्टोरेंट सिलेक्ट कर लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपने अपने कीवर्ड्स देने हैं। आप कीवर्ड्स किस तरह लेंगे वो भी आप इसी तरह से बाकी गिग्स को चेक करते हुए अपने कीवर्ड सिलेक्ट कर लेंगे। ज़्यादा ऑर्डर्स वाली गिग को ओपन करेंगे और यहाँ पर हम देखेंगे कि इन्होंने कौन से कीवर्ड्स यूज़ किए हुए हैं। आप 5 कीवर्ड्स मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर लास्ट में आ जाएंगे तो इनके कीवर्ड्स हमें शो हो रहे होंगे। यहाँ पर इन्होंने मेन्यू, मॉडर्न, फूड, रेस्टोरेंट, लोगों के कीवर्ड्स यूज़ किए हैं। इसी तरह से आप और गिग्स के कीवर्ड्स चेक करके अपने कीवर्ड्स निकाल लेंगे। यहाँ पर 5 कीवर्ड्स मैंने ऐड कर दिए हैं। उसके बाद हम सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। इसके बाद आपने पैकेजेस की डिटेल देनी है। अब आपके पास ऑप्शन है कि आप 3 पैकेजेस रखें या फिर सिंगल पैकेज रखें। अगर आप एक ही पैकेज रखना चाहते हैं तो यहाँ ऑफर पैकेजेस पर क्लिक करके इसे डिसेबल कर देंगे, और अगर डिफरेंट पैकेजेस रखना चाहते हैं तो इसे इनेबल कर देंगे। बेहतर ये है कि अलग अलग प्राइसिंग के अलग अलग पैकेजेस रखे जाएँ ताकि बायर्स के पास डिफरेंट ऑप्शंस हों। सबसे पहले आपने तीनों पैकेजेस के नेम्स देने हैं, उसके बाद आपने उसे डिस्क्राइब करना है कि इस पैकेज के अंदर आप क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने पैकेजेस में सिंगल साइड मेन्यू लिख दिया, डबल साइड मेन्यू लिख दिया और फोल्डेबल मेन्यू लिख दिया। उसके बाद बेसिक की डिटेल में मैंने सिंगल पेज लिख दिया, स्टैंडर्ड में मैंने ओनली फ्रंट एंड बैक मेन्यू लिख दिया नॉट फोल्डेबल, प्रीमियम में मैंने फोल्डेबल ट्राई फोल्ड मेन्यू लिख दिया। उसके बाद डिलीवरी टाइम सिलेक्ट कर लेंगे। बेसिक में हम 3 दिन में डिलीवरी दे देंगे, स्टैंडर्ड की 2 दिन सिलेक्ट कर लेते हैं और प्रीमियम की भी 2 दिन सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद रिविजन में तीनों पैकेजेस के अनलिमिटेड सिलेक्ट कर रही हूँ। डिटेलिंग बतानी है कि बेसिक पैकेज के अंदर आप कौन सी चीज़ें देंगे, प्रीमियम में कौन सी देंगे और स्टैंडर्ड में कौन सी देंगे। कस्टम ग्राफिक हम नहीं देंगे बेसिक के अंदर, फोटो एडिटिंग भी नहीं देंगे, प्रिंट रेडी दे देंगे, नंबर ऑफ पेजेस हम 1 देंगे, सोर्स फाइल हम देंगे, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर ली। उसके बाद प्राइसिंग आ गई। प्राइसिंग मैंने बेसिक $10, फिर $15 और $20 सिलेक्ट कर लिया। आप अपने हिसाब से अपनी प्राइसिंग रखेंगे। फिर इसके बाद आपको तीनों पैकेजेस की एक्स्ट्रा सर्विसेज बतानी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी का ऑप्शन है। बेसिक में हम वैसे 3 दिन में डिलीवरी करके दे रहे हैं, लेकिन हम 1 दिन में डिलीवरी करके दे देंगे अगर हमें क्लाइंट एक्स्ट्रा $5 पे कर दे। इसी तरह से स्टैंडर्ड और प्रीमियम की भी आप डेज कम करके उनकी एक्स्ट्रा प्राइस लिख देंगे। ये सारी एक्स्ट्रा डिटेल्स ऐड करने के बाद हम नीचे आ जाएंगे और यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। आपने डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है। डिस्क्रिप्शन के अंदर आप अपनी गिग की डिटेल्स लिखेंगे कि इस गिग से बायर और कौन कौन सी सर्विसेज बाय कर सकता है। इसके अलावा आप कौन कौन से फॉर्मेट पर डिज़ाइन प्रोवाइड करेंगे, क्यों आपको चूज़ किया जाए, कौन सी आपके अंदर ऐसी खसूसियात हैं, ये सब चीज़ें आप अपनी गिग की डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे। यहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी तैयार करके रखी है। ये भी आप डायरेक्टली कॉपी नहीं करेंगे, आप सिर्फ हेल्प ले सकते हैं। बाकी आपने इसको कस्टमाइज करके अपने डिस्क्रिप्शन खुद से तैयार करनी है।
यहाँ पर मैंने लिखा है कि मैं क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती हूँ और बायर इस गिग से क्या क्या चीज़ें ले सकता है, रेस्टोरेंट मेन्यू ले सकता है, फ्लायर डिज़ाइन, मेन्यू डिज़ाइन, ये सारी चीज़ें ले सकता है। वाई टू चूज भी मैंने अपनी खसूसियात लिखी हैं कि एज अ सेलर मैं क्या क्या सर्विसेज दे सकती हूँ, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख दी हैं। आपने भी अपनी गिग क्रिएट करने से पहले ये सारा होमवर्क करके रखना है, सारी सर्चिंग करके रखनी है, सारा डेटा तैयार करके रखना है। इसको मैं यहाँ से कर लेती हूँ कॉपी और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूंगी। इसके बाद नीचे आ जाते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन। अगर कोई ऐसे क्वेश्चन हैं जो बायर्स बार बार पूछते हैं तो वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर वो क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि बायर से पूछे जाते हैं। फाइवर की तरफ से ऑलरेडी 3 क्वेश्चन यहाँ पर ऐड किए गए हैं। उसके अलावा अगर आप कोई क्वेश्चन यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड न्यू क्वेश्चन पर क्लिक करके उसे ऐड कर सकते हैं। एटलीस्ट एक क्वेश्चन आपने खुद से ऐड करना है यहाँ पर। जो डिटेल्स बायर से आप लेना चाहते हैं अपना काम शुरू करने के लिए, वो सारी डिटेल्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने ऐड कर दिया है। उसके बाद नीचे ऐड पर क्लिक करेंगे, फिर नीचे सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। अब यहाँ पर आपने अपनी गिग की पिक्चर्स ऐड करनी है। पिक्चर्स किस तरह से होंगी, जैसे यहाँ पर लोगों ने अपनी गिग पर पिक्चर्स ऐड की हुई हैं, इस तरह से आपने अपनी गिग पर पिक्चर्स लगा लेनी है। पिक्चर्स आप कैनवा से लगा सकते हैं। मेन्यू कार्ड बनाना कैसे है, कैनवा पर किस तरह से काम करना है, इस पर पूरी एक वीडियो मैंने आप लोगों को बना के दिखाई है। उस पर मैंने मेन्यू कार्ड भी बनाना सिखाया था, वहाँ से देखकर आप मेन्यू कार्ड बना सकते हैं और अपना बनाया हुआ मेन्यू कार्ड आप यहाँ पर ऐड करेंगे पिक्चर्स में। यहाँ पर सैंपल के तौर पर मैंने एक ही पिक्चर अपलोड किया है, लेकिन आपने और भी पिक्चर्स अपलोड करनी है। फिर नीचे आ जाएंगे और आई डिक्लेयर पर आप क्लिक करेंगे और फिर सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। फिर इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पर ये पूछ रहा है आर यू अ यूएस पर्सन, आप इसको नो कर देंगे, उसके बाद सेव कर देंगे। यू आर डन, क्लोज पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके सामने पब्लिश गिग का ऑप्शन आ जाएगा। अब आप पब्लिश गिग पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये गिग पब्लिश में आ गई है। जैसे जैसे लोग व्यू करेंगे, इंप्रेशन आएंगे, क्लिक्स आएंगे, ऑर्डर आएंगे, ये सारी चीजें यहाँ पर मेंशन होने लग जाएंगी। अपने फाइवर पर अकाउंट भी बना लिया, अपनी प्रोफाइल भी सेट कर ली, गिग भी बना ली। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि आपने ऑर्डर्स किस तरह से लेने हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपने गिग बना ली तो आपके पास ऑर्डर्स की भरमार हो जाएगी, बहुत सारे ऑर्डर्स एक साथ आपके पास आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। फाइवर पर कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए ऑर्डर लेने में बड़ी मुश्किल होती है। लेकिन मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताने जा रही हूँ जिनको अगर आप प्रॉपर तरीके से समझ लेंगे तो आपको ऑर्डर लेने में बहुत आसानी हो जाएगी और बहुत जल्दी आपके पास ऑर्डर आ जाएंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि आपने पैसे विड्रॉ कैसे करने हैं। सबसे पहली टिप ये है कि जब आप प्रोफाइल बनाएंगे तो प्रोफाइल के अंदर आपकी डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छी लिखी होनी चाहिए, जो आपको प्रॉपर तरीके से आपकी नीश को, आपकी गिग को, आपके टॉपिक को अच्छी तरह से डिफाइन करे कि आप किस तरह के सेलर हैं। अगेन वही बात रिपीट कर रही हूँ कि आपने किसी की डिस्क्रिप्शन कॉपी नहीं करनी है। आप हेल्प ज़रूर ले सकते हैं दूसरी डिस्क्रिप्शन से, लेकिन आपने अपनी खुद की डिस्क्रिप्शन बनानी है। दूसरी चीज़, प्रोफाइल के अंदर आपने इंग्लिश को फ्लुएंट लैंग्वेज पे सिलेक्ट करना है या तो फिर नेटिव पे सिलेक्ट करना है। इंग्लिश आपकी अच्छे लेवल पर सिलेक्ट होनी चाहिए, इससे आपकी प्रोफाइल पर इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ता है। दूसरी टिप ये है कि आपने अपनी गिग की SEO बहुत अच्छे से करनी है, कि आपने अपने टाइटल के अंदर कीवर्ड्स बहुत अच्छे यूज़ करने हैं जो कि आपके कीवर्ड्स रैंक करें। दूसरी चीज़, आपने टैग्स में भी टैग्स बहुत अच्छे इस्तेमाल करने हैं। किस तरह करने हैं ये मैं आपको सिखा चुकी हूँ। गिग के टाइटल और टैग्स उसकी SEO कहलाती है, तो अगर आपकी गिग की SEO अच्छी होगी तो ही आपकी गिग रैंक करेगी, गिग रैंक करेगी तो आपके पास ऑर्डर्स आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट टिप ये है कि आपने फाइवर पर ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन रहना है। स्पेशली रात के वक्त आपने बहुत ज़्यादा ऑनलाइन रहना है, क्योंकि जब हमारी तरफ रात होता है तो US में दिन होता है, दिन के टाइम वो वर्किंग करते हैं और वो जब फाइवर पर आते हैं तो वो फिल्टर सिलेक्ट करते हैं ऑनलाइन का। जितने भी ऑनलाइन सेलर्स होते हैं वो सामने आ जाते हैं और वो ऑनलाइन सेलर से उसी वक्त कॉन्टेक्ट करते हैं, इसीलिए आपने ऑनलाइन रहना है। ऑनलाइन रहेंगे तो आपके पास ऑर्डर आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे। नेक्स्ट टिप ये है कि आपने अपनी नीश में रहते हुए डिफरेंट गिग्स क्रिएट करनी है। जैसे कि अभी मैंने आपको ग्राफिक डिज़ाइन से रिलेटेड एक गिग बनाई जो कि मेन्यू कार्ड की थी, इसी तरह ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर आप रेज्यूम डिज़ाइन भी बना सकते हैं, लोगो डिज़ाइन की गिग भी बना सकते हैं। इसी तरह से आपने डिफरेंट गिग्स बनानी है, 5 गिग्स अलाउ होती हैं, आप 5ों बनाएं, एक भी गिग अगर आपकी रैंक कर गई तो आपके मज़े हो जाएंगे। नेक्स्ट टिप ये आती है कि आपने खुद बायर बनके टॉप सेलर्स को मैसेज करना है और उनकी गिग के बारे में डिटेल्स पूछनी है, और आपने ये ऑब्जर्व करना है कि वो बायर्स को किस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं। इस तरह से आपको सीखने को मिलेगा कि आपने बायर्स को रिस्पॉन्स किस तरह से करना है, वो किस तरह के सवाल पूछते हैं और सेलर्स किस तरह जवाब देते हैं। ये चीज़ें आप लोगों को सीखने के लिए मिलेंगी अगर आप टॉप सेलर्स को मैसेज करेंगे। ये सारी चीज़ें आपको माइंड में रखनी है, ये आपको अच्छे ऑर्डर्स लेने में हेल्प करेंगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने पैसे विड्रॉ किस तरह से करने हैं।
ये फाइवर का मेन पेज है। अब यहाँ पर आप अपना विड्रॉल मेथड ऐड करने के लिए यहाँ पर अपनी प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर प्रोफाइल का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप क्लिक कर देंगे। मैं आपको मेन पेज से इसलिए समझा रही हूँ ताकि आपको समझ आए कि ये इंटरफेस कैसे आया। अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पर प्रोफाइल पर आकर आपको बताती तो आपको समझ में नहीं आता कि ये पेज मैंने ओपन कैसे किया, इसलिए मैंने आपको मेन पेज से डायरेक्टली समझाया है। प्रोफाइल पर आने के बाद यहाँ पर माई बिजनेस का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। फिर नीचे अर्निंग्स पर आ जाएंगे और यहाँ पर आपकी जितनी भी अर्निंग्स होंगी वो शो होंगी। नीचे मैनेज पे आउट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके पास यहाँ पर पेमेंट मेथड्स आ जाएंगे। यहाँ से आप पायोनियर का अकाउंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं और अगर चाहें तो बैंक ट्रांसफर पे भी पेमेंट ले सकते हैं। ऐड न्यू पे आउट मेथड पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है वेरीफाई बाय SMS, वेरीफाई बाय कॉल। आप वेरीफाई बाय SMS पर क्लिक करेंगे। आपने जो भी यहाँ पर नंबर ऐड किया था उस नंबर पर आपके पास एक कोड आएगा, वो कोड आप एंटर करेंगे। उसके बाद आप अपने पायोनियर के अकाउंट की या फिर बैंक ट्रांसफर की बैंक डिटेल्स दे देंगे। पायोनियर पाकिस्तान में बहुत ईजी है, पायोनियर के थ्रू आप अपना विड्रॉल जैस कैश में ले सकते हैं। अगर आपको पायोनियर का अकाउंट नहीं बनाना आता तो आप पहले यूट्यूब पे वीडियो देखकर पायोनियर का कंप्लीट अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, उसके बाद उसकी सारी डिटेल्स डालकर अपना पेमेंट मेथड सेट कर लेंगे। आई होप आपको सारा काम अच्छी तरह समझ आ गया होगा, हर चीज मैंने आपको क्लियरली समझाई है। फिर भी कोई सवाल हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ग्रो योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज।